दूसरे टेस्ट महामुकाबला के लिए केपटाउन पहुंचते ही टीम इंडिया को मिली 3-3 बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और सेंचुरियन के मैदान पर खेला गया। पहला टेस्ट मैच सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही खत्म हो गया, जहां टीम इंडिया को इस मैच में 1 पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी का टेस्ट मैच 3 जनवरी से केपटाउन के न्यूलैंड मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें पहले टेस्ट में अनफिट होने की वजह से नहीं खेलने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की इस मैच में वापसी देखने को मिल सकती है। और रविंद्र जडेजा सेंचुरियन टेस्ट में पीठ में दर्द के कारण नहीं खेल सके थे, जिसके चलते उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया था और अश्विन गेंद और बल्ले दोनों से इस मुकाबले में कुछ खास योगदान देने में सफल नहीं हो सके थे। वहीं पीटीआई की खबर के अनुसार केपटाउन टेस्ट मैच से पहले रविंद्र जडेजा ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसमें वह वार्म अप के दौरान काफी सहज नजर आ रहे थे, जबकि सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन लंच के समय मुकेश कुमार के साथ लगभग 20 मिनट तक प्रैक्टिस विकेट पर गेंदबाजी का अभ्यास किया था। और साउथ अफ्रीकी हालात में जडेजा भले ही गेंद से उतने खतरनाक साबित ना हो, लेकिन निचले क्रम में वह एक बेहतर बल्लेबाज के तौर पर विकल्प जरूर देते हैं, जिसमें पिछले कुछ सालों में उन्होंने विदेशी दौरों पर अहम समय पर महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। जबकि केपटाउन टेस्ट में यदि रविंद्र जडेजा की प्लेइंग 11 में वापसी होती है तो उन्हें रविचंद्रन अश्विन की जगह पर शामिल किया जा सकता है। जडेजा ने अब तक साउथ अफ्रीका में एक ही मुकाबला खेला, जिसमें वह गेंद से जहां 6 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे तो वहीं बल्ले से 8 रन ही बना सके थे। जडेजा ने अब तक अफ्रीकी टीम के खिलाफ टेस्ट में 42 विकेट हासिल किए हैं। वही दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज से पहले मैच में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने 32 रन और पारी से हरा दिया। इस मुकाबले में मिली हार के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान से खिसक कर 5वें स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन अब वे अचानक से टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो टीम इंडिया को डबल नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के बाद आईसीसी ने टीम इंडिया को डबल झटका देते हुए WTC पॉइंट्स टेबल से उनके 2 अहम अंक काट लिए हैं और आईसीसी ने अचानक से यह फैसला स्लो ओवर रेट के कारण लिया। दरअसल टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में स्लो ओवर गति से गेंदबाजी की, जिसके कारण उन्हें 10% मैच फीस फाइन और WTC अंक तालिका में नुकसान हुआ है, जहां साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही उसे अपने नाम कर लिया। भारत को उन्होंने इस मुकाबले में 1 पारी और 32 रनों से मात देने के साथ 2 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में अब 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरे दिन अफ्रीका टीम की पहली पारी 408 के स्कोर पर जाकर सिमटी, जिसकी बदौलत उन्होंने भारत की पहली पारी के मुकाबले 163 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाते हुए भारतीय टीम की दूसरी पारी को सिर्फ 131 के स्कोर पर समेटने के साथ मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की। वही दोस्तों, अपनी आखिरी इंटरनेशनल सीरीज खेलते हुए डीन एल्गर ने शानदार 185 रन बनाए। उन्होंने इसे विशेष पारी करार दिया और टोनी डिजॉर्जी 28 और मार्को यानसन चोटाफी के साथ अपनी साझेदारी पर बात की और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। एल्गर ने कहा कि काफी खास पारी कभी कभी हम जो करना चाहते हैं वह योजना के मुताबिक नहीं हो पाता, लेकिन खुशी है कि आज ये काम कर गया। मुझे लगता है कि आपको चीजों को अच्छा और सरल बनाए रखने की जरूरत है, खेल पहले से ही काफी जटिल है। उन्होंने कहा कि टोनी के साथ अच्छी साझेदारी और फिर यानसन ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। आपको 20 विकेट लेने के लिए तेज गेंदबाजों और स्पिनर की जरूरत होती है। इसी तरह हम टेस्ट मैच जीतते हैं। नांद्रे बर्गर 33 रन देकर 4 विकेट, कागिसो रबादा 32 रन देकर 2 विकेट और यानसन 36 रन देकर 3 विकेट की साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी। तिकड़ी ने दूसरी पारी में भारत को 34.1 ओवर में 131 रन पर ढेर कर दिया। एल्गर ने आगे कहा कि रबादा शानदार थे, लेकिन फिर नांद्रे ने दिखाया कि वह साउथ अफ्रीकी क्रिकेट के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप पहला टेस्ट नहीं जीतते तो आप 2 टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं जीत सकते। भारतीयों को हराना मुश्किल है। भारतीय टीम को इस मुकाबले में हुए नुकसान की भरवाई करने और इस सीरीज को ड्रॉ करवाने के लिए अगला मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना होगा। सीरीज का दूसरा मैच नए साल पर 3 जनवरी 2024 से खेला जाएगा। इस मैच में फैंस को कप्तान रोहित शर्मा से उम्मीदें होंगी। रोहित शर्मा सीरीज से पहले मैच खराब फॉर्म में नजर आए। वनडे वर्ल्ड कप के बाद ये उनका पहला इंटरनेशनल मैच था, ऐसे में उनके ऊपर भी काफी प्रेशर नजर आया।